पर्सनैलिटी कॉन्सेप्ट एंड डेफिनेशन पर्सनैलिटी जैसे कि वर्ड इज़ शोइंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट द ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड वट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी एंड वट कॉम्पनेंट्स मेक पर्सनैलिटी कम्प्लीट और कॉम्प्रीहेंसिव और गुड और बैड और कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनलिटी को अट्रैक्टिव बनाते हैं और अन बनाते हैं और कौन सी ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को फेवरेट बनाते हैं और उसको जो है वो एक्सेप्टेबल बनाते हैं सोसाइटी के लिए कौन सी पर्सनैलिटीज़ को पीपल डिसलाइक करते हैं और क्यों करते हैं ये हम आज देखते हैं पर्सनैलिटी इज़ अ कॉन्ट्रोवर्शल कॉन्सेप्ट अब कॉन्ट्रोवर्शल क्यों है क्योंकि पर्सनैलिटी की कि किसी एक डेफिनेशन के ऊपर लोग जो हैं वो मुतफ़ नहीं होते मुख्तफ़ की साइकोलॉजिस्ट और एजुकेशनस्ट ने पर्सनैलिटी को डिफरेंटली डिफ़ाइन किया है तो चूँकि पर्सनलिटी वेरिड है एक ही घर में रहने वाले बच्चे जो हैं बहन भाई एक ही पेरेंट्स की औलाद होने के बावजूद वो डिफरेंट हैं अपने मिजाज में अपने एप्टीट्यूड में एटीट्यूड में अपनी मूड स्विंग्स में अपनी फिजिकल ग्रोथ में अपनी कॉग्निटिव ग्रोथ में इमोशनल ग्रोथ में सोशल ग्रोथ में इन सारी चीज़ों में बच्चे मुख्तलफ होते हैं और वो ये हेरिडिटरी फैक्टर भी लेते हैं अपनी पर्सनैलिटी के लिए और एनवायरमेंटल फैक्टर भी अब एक बच्चा हेल्दी पैदा हुआ है बड़ा इंटेलिजेंट है लेकिन उसको इतना डिप्रेस माहौल मिला घर के अंदर कि उसकी पर्सनैलिटी नेगेटिव हो गई वो स, जो है वो साइकोटिक हो गया होगी उसकी पर्सनैलिटी तो इसका मतलब है कि हेरिडिट्री जो है वो उसके जीन्स बड़े अच्छे थे लेकिन इन्वामेंटली पर्सनैलिटी डैमेज हो गई अब यहाँ पे इसलिए इसको कहा कि कंट्रोवर्शियल है कि सारे लोग एक ही डेफिनेशन को फॉलो नहीं करते पीपल यूज डिस इन वेरियस वेज़ द टर्म पर्सनैलिटीज़ ड्राइव फ्राम द लेटन वर्ड पर सोना विच मीनज अ थियोरेटिकल मास्क यूज थेटरिकल मास्क यूज बाई एक्टर्स इन दोज डेज टू इंडिकेट दर रोल इन थे प्ले थिएटर में जब लोग uh, कोई रोल प्ले करते हैं तो वो कभी जो है वो शॉपकीपर बनते हैं कभी जो है वो बिजनेसमैन बनते हैं यानी जिस तरह का भी रोल होता है उसके मुताबिक वो अपने फेस पे मास्क मास्क का मतलब एक गेटअप वैसा कर लेते हैं तो यहाँ पर्सनैलिटी पर के ऊपर कहा कि लोग जो हैं उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर एक मास्क जो है वो पहना है अच्छा या बुरा तो अब कोई आपको यहाँ पे प्रोफेशनल जगह पे देखे तो आपकी पर्सनैलिटी का इमेज कुछ और है जैसे कोई आपको घर में देखे तो लोग हैरान हो जाते हैं कि घर में ये इतना एग्रेसिव है और यहाँ पे इतना होश मिजाज है या यहाँ पे इतना एग्रेसिव है और घर में इतना होश मिजाज है इसकी पर्सनैलिटी के तो दो रुख़ हैं तो मतलब ये कि हमारी पर्सनैलिटी हमें रिफ़्लेक्ट कर रही होती है हमारे एटीट्यूड्स की वजह से हमारे एप्टीटूड्स की वजह से और इवन मैं बड़ी इंपॉर्टेंट एक चीज़ समझती हूँ किसी की पर्सनैलिटी रिफ्लैक्श रिफ्लेक्ट कैसे होती है उसकी चॉइसिस से आप किसी चीज़ को पसंद या नापसंद जब करते हैं और अपना एक, अपने आप उसको एक्सप्रेस करते हैं तो यकीन कीजिए आपकी पर्सनैलिटी का पता चल रहा होता है कि कितनी अच्छी पर्सनैलिटी है ये बड़ा पॉजिटिव है ये नेगेटिव है ये सिक माइंडेड है ये हेल्दी माइंडेड है तो चॉइसेस जो हैं ये दीज चॉइसेस ऑलवेज रिफ्लेक्ट यू वट एवर यू आर चूजिंग दैट इवन द कलर्स दैट यू आर चूजिंग टू वेयर इवन द इवन द हाउस टाइप यू आर सेलेक्टिंग इवन योर क्लोदिंग इज़ वेरी गुड रिफ्लेक्शन ऑफ योर पर्सनैलिटी तो हम कहते हैं ये किस तरह से जो है इसका घर देखो कई लोगों ने पेंट करवाया होता अपने घर के अंदर आप कभी देखें जाके हम उनकी चॉइसेस देख रहे होते हैं तो वाह ये किस किस्म का इसने ये काम जो है ये इसने चूज़ किया है सो चॉइस ऑलवेज रिफ़्लेक्ट योर पर्सनैलिटी अब यहाँ पे दिस पर्सनैलिटी इंक्लूज बहुत आउटर सेल्फ एंड इनर सेल्फ अंदर uh, एक दो किस्म की आपकी पर्सनैलिटी की पार्ट्स हैं एक आउटर है जिसमें आप नज़र आ रहे हैं एक वो जो आपका दिमाग सोच रहा है आउटर तो हम बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं हम बड़े लोगों के साथ पोलाइट मिल रहे हैं और बड़े अच्छे नज़र आ रहे हैं लेकिन अंदर से आप क्या हैं उसका भी किसी को पता नहीं चलता हमेशा जो आपके एक्शंस हैं और आपका बिहेवियर है ये हमेशा आपकी जो इनर सेल्फ है उसको एक्सप्रेस कर रहा होता है तो इसलिए यहाँ पर्सनैलिटी का जो मीनिंग है वो मुख्तलिफ़ लोगों ने इसको मुख्तलिफ़ तरीके से डिफ़ाइन किया है पर्सनैलिटी इज़ द सम टोटल ऑफ फिज़िकल एबिलिटीज़ एंड मेंटल ट्रेड्स ऑफ द इंडिविजुअल विच आर डाइनमिक एंड दे हेल्प वन टू एडजस्ट टू द एनवायरमेंट अब दो चीज़ें आ गई एक तो आपकी फिज़िकल एबिलिटीज़ आपकी फ़िजिकल अपेयरेंस दूसरा आपकी जो है मेंटल ट्रेड्स कि आपकी थिंकिंग कैसी है पॉजिटिव है या नेगेटिव है आपकी चॉइसेस कैसी हैं और आप जो है वो किसी के बारे में अच्छा सोचते हैं या बुरा सोचते हैं लोगों को आप मजाक उड़ाते हैं या उनकी रिस्पेक्ट करते हैं ये सारी आपकी इनर ट्रेड्स हैं वो और आपकी जो पर्सनैलिटी देखिए कुछ लोग इतने वेल well वेलड्रेस होते हैं इतना अच्छा तैयार हो आते हैं हम कहते हैं गुड पर्सनैलिटी जैसे वो बोलते हैं हम कहते हैं ओह हमें तो पता नहीं चला ये तो बज़ाहिर कितना Uh, अच्छा लग रहा है लेकिन अंदर से जो है इसकी सोच देखें कितनी चीप है तो सो द पर्सन वी नाउ आई एम कंक्लूडिंग द डेफिनेशन ऑफ पर्सनैलिटी दैट पर्सनैलिटी इज़ द ब्लेंड ऑफ द इनर थाट्स और इनर कैपेसिटीज एंड योर आउटर कैपेसिटीज़ सो ऑलवेज योर थिंकिंग इज़ रिफ्लेक्टिंग योर पर्सनैलिटी दैट यू आर थिंकिंग वट टू वेयर एंड हाउ टू वेयर एंड देन यू आर वेयरिंग एंड वट यू आर सेंग दैट एक्चुअली शोइंग योर इनर थाट्स सो पर्सनैलिटी जो है वो आपकी कोग्नेटिव एबिलिटीज़ और आपकी आउटर सेल्फ दोनों को मिला के एक्सप्लें की जा सकती है